हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फ्रेंड्स आपके लिए ये टेबल कवर लेकर आए हैं। देखिए इसमें जो डिजाइन है बहुत ही सुंदर डिजाइन है और आसानी से बन भी जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाएँ हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं किस तरह बनाया है। सबसे पहले देखिए हमने इस तरह का ये फ्रेम बनाया है। चार स्टिक लिए हमने, इस तरह इन्हें जॉइंट कर लिया है। देखिए इस तरह से इन्हें जॉइंट कर लिया था। और देखिए ये स्टिक की लंबाई, देखिए ये इधर वाले स्टिक की लंबाई हमने 14 इंच रखी है। देखिए ये 14 इंच है। और देखिए जो इधर वाली स्टिक है इसकी लंबाई हमने 11 इंच रखी है। देखिए 11 इंच है और ये इधर भी 14 इंच है। इस तरह से देखिए ये इधर वाली ये 14 इंच है और ये वाली स्टिक ये 11 इंच पर है। अब हमने देखिए ये जो स्टिक के ऊपर ये कील लगाई है इनकी दूरी देखिए इस तरह से एक एक इंच की ये दूरी पर लगाए हुए हैं ये कीले। इस तरह से हमने ये कीले लगा ली थी एक एक इंच की दूरी पर। अगर आप और बड़ा फ्रेम बनाना चाहते हैं तो बड़ी स्टिक लेकर इस तरह से फ्रेम बना सकते हैं। देखिए ये एक एक इंच की दूरी पर ही हमने ये फ्रेम पर कीले लगाई हुई हैं। देखिए इस तरह। अब देखिए हमने ये रेड ऊन लिए। पहले सबसे पहले देखिए हम ये फंदा लगाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह। अब देखिए जो फ्रेम है इसकी, ये देखिए ये दूसरे नंबर की जो कील है इस पर इस तरह फंसा लेंगे। और देखिए ये सामने वाली जो कील है इसमें फंसाएंगे। अब देखिए इसी तरह हम ये दो किलो में फंसाएंगे। देखिए इस तरह से। और देखिए टाइट करके इस तरह। ऊन को फंसाएंगे। देखिए इस तरह से दोनों किलो में 15 बार ये ऊन को फंसाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से ये हमने उनको इस तरह ये फंसा लिया है। अब हम देखिए ये इस तरह से ये देखिए दो किलो में इस तरह फिर से ये फंसाएंगे इस तरह से। और देखिए इसके सामने वाले कील में फंसा लेंगे और इस तरह से फिर से हम इसी तरह इस पर भी इन किलों पर भी उनको फंसा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने ये 15 बार ये सब किलों पर उनको फंसा लिया है। अब हम देखिए ये उनको इस तरह देखिए इधर वाली साइड में ले जाएंगे। अब इसे देखिए इस तरह से तीसरे नंबर कील में फंसा लेंगे। और देखिए फिर इधर से इसके सामने वाली कील में और इस तरह से देखिए हम इधर भी जैसे हमने ये नीचे किया हुआ है
15 बार इसी तरह ये इधर वाले किलों पर भी इसी तरह ये फंसा लेंगे उनको। देखिए इस तरह से उनको फंसा लेंगे। अब हमने देखिए ये हमारे पास ये फैदर की ऊन पड़ी हुई थी कुछ, अब हम इसमें ये फैदर की ऊन लगा लेंगे तो इसमें ये बहुत ही सुंदर इस तरह का ये डिजाइन बन जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। पहले देखिए हम इस तरह ये फंदा लगा लेंगे और देखिए ये आगे वाली कील में इस तरह फंसा लेंगे इसको भी इसी तरह। ये देखिए ये इसी तरह ये 2 किलो में फंसा लेंगे। देखिए हमने जो ये फैदर वाली ऊन लगाई है इस ऊन को हमने देखिए ये 2 बार ही लगाया है इसमें। अब हम ये रेड वाली ऊन को फिर से फंसा लेंगे इस तरह से। देखिए ये रेड वाली ऊन को फिर से हम 15 बार ही करेंगे जैसे हमने इधर किया हुआ है। देखिए इस तरह से ये कर लेते हैं। ये इस तरह से ये हमने इधर रेड और ये देखिए ये फैदर वाली ऊन लगाई थी और देखिए इस तरह से हमने उधर भी ये फैदर वाली ऊन लगा ली है जिस तरह इधर लगाई थी। अब हम ये वाइट ऊन लेंगे और देखिए पहले इस तरह ये फंदा लगा लेंगे इसमें भी। देखिए इस तरह अब ये इस वाली कील में देखिए इधर वाली कील में ये ऊन को डाल लेंगे। अब हम देखिए ये थोड़ी ऊन कट कर लेते हैं इस तरह से। अब हम देखिए ये इस तरह ये सामने वाली देखिए इधर इस तरह से ये इसमें गांठ लगाएंगे। देखिए पहले इस तरह ये नीचे से निकालेंगे ऊपर को एक बार और निकाल लेंगे जिससे ये ढीला ना हो टाइट रहे। और देखिए टाइट करके ही बांधेंगे इस तरह। और देखिए फिर हम इस तरह से इसमें ये गांठ लगा लेंगे। देखिए इस तरह ये गांठ लगा लेंगे। अब हम देखिए ये सामने वाला जो है देखिए इसके सामने इस तरह अब इसमें लगाएंगे। पहले इस तरह देखिए ये नीचे से निकालेंगे उनको। और देखिए एक बार और निकाल लेंगे इससे ये ढीला नहीं होगा। इस तरह से और देखिए फिर हम ये इस तरह से ये गांठ लगा लेंगे। इस तरह से देखिए ये गांठ लगा लेंगे। टाइट करके ही लगाना है। अब हम देखिए ये आगे वाले में लगाएंगे। हम ये इस तरह से नीचे 2-2 बार ही निकालेंगे। एक बार निकालने से ये ढीला हो जाएगा। और देखिए इस तरह ये गांठ लगा लेंगे और इस तरह से देखिए ये बांध लेंगे। देखिए इस तरह से हमने ये बांध लिया है। अब हम इसी तरह ये दूसरी ऊन लेंगे और देखिए ये इस तरह इसे भी यहाँ पर भी ये टाइट करके बांध लेंगे।
अब हम देखिए इसके सामने बांधेंगे। देखिए फ्रेंड्स हम ये बीच में उनको इसी तरह सब में बांध लेंगे, टाइट करके ही बांधेंगे। देखिए इधर भी और इधर भी इस तरह से। देखिए हमने इस तरह से भी उनको बांध लिया है। पहले देखिए हमने इस तरह बांधा था, अब इस तरह ये क्रॉस कैसा निशान बना लिया है कि उनसे। पहले देखिए हम ये बता देते हैं किस तरह बांधा है। एक ऊन में देखिए इस तरह से एक फंदा लगा लेंगे और देखिए इस तरह से ये कील में फंसाएंगे। और देखिए जैसे हमने पहले बांधा था इस तरह से इसी तरह बांधेंगे इसे भी, नीचे से निकालेंगे दो बार। देखिए इस तरह टाइट करके और इस तरह से एक गांठ लगा लेंगे। देखिए इसमें हम ये दो गांठ लगाएंगे इस तरह। अब हम फिर से देखिए इस तरह ये नीचे से निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए ये बीच में ये डिजाइन बन जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। इसी तरह हम ये इधर भी बांध लेंगे। देखिए इस तरह से हमने ये ऊन को बांध लिया है। देखिए पहले इस तरह फिर इस तरह से ऊन को टाइट करके बांधा है। अब हम देखिए इस फ्रेम में से इस टेबल कवर को निकाल लेंगे। पहले देखिए ये जो हमने इस तरह ये कीलों में जो फंसाया है उनको, ये जो उनको फंसा लिया है फंसाया था, इसको बीच में से इस तरह कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हम ये कट करेंगे उनको, बीच में से ही करना है। देखिए इस तरह हम ये वाइट वाली उनको जो फंसाया है इसको भी कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये कील में से सब ऊन को निकालेंगे जो कील में फंसी हुई ऊन है। देखिए इसी तरह हम ये इधर भी कट कर लेंगे। इस तरह से ये सब उनको कील में से कट कर लेंगे। अब हम देखिए ये फ्रेम में से निकाल लेंगे। अब हमने देखिए जो ये गांठें लगाई थी ऊपर वाली साइड में, इसको हम उल्टा रखेंगे और जो नीचे वाली साइड है, देखिए ये नीचे वाली साइड है, इधर हम ये सीधा रखेंगे। और ये देखिए ये देखने में भी अच्छा लग रहा है इधर से। अब हम ये जो ऊन छोटी बड़ी हो रही है इसको थोड़ा कट कर लेंगे, इस तरह से ये सेट कर देंगे। और देखिए ये जो डिजाइन है इसमें बहुत ही सुंदर है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत आसान है बनाना। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये टेबल कवर बनकर तैयार है और बहुत आसान है इसे बनाना, कम टाइम में बन जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
थैंक यू।